स्वागत है आपका मेरे क्लास में। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वाले जो भी वीडियो था उसमें हम लोग फोर्थ चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे, आज यह दोस्तों सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए यह चैप्टर भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो 1 से लेकर 16 लेक्चर तक हम लोगों ने फोर्स को पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। तब दोस्तों आज से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम और यह लेक्चर नंबर आज 17 है। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है, और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स ये क्या होता है। तो ये सब के बारे में दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ये सब क्या क्या है। तो बारी बारी से चलिए हम लोग इस सबको जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को यह समझना है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम का मेन मतलब यही होता है दोस्तों, चलिए दोस्तों एक बार हम लोग इंग्लिश डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। द पोजिशन ऑफ बॉडी इन विच द नेट रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मतलब वो किसी भी बॉडी का वैसा पोजिशन जिसमें रिजल्टेंट फोर्स जो होता है दोस्तों वह जीरो हो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो एंड कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो मतलब जो कपल एक्ट कर रहा है उस बॉडी पर वो भी क्या हो दोस्तों, तो वो भी जीरो हो, देन दिस बॉडी इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब फिर वो जो बॉडी है उसी बॉडी को हम लोग कह देंगे क्या, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जैसा कि दोस्तों ये सब देख सकते हैं कि इसमें एक बॉक्स है, या मान लीजिए एक बॉडी है जिसमें मेरा पहला फोर्स लग रहा है, फिर दूसरा फोर्स लग रहा है, ये तीसरा फोर्स है, ये चौथा फोर्स है, पांचवा फोर्स है, छठा फोर्स है, सातवां फोर्स है, आठवां फोर्स है, ये सारा का सारा फोर्स लग रहा है। अब यह बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगा दोस्तों, जब इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली फोर्स वे भी जीरो हो और समेशन ऑफ वर्टिकली फोर्स ये भी जीरो हो। मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स वह जीरो हो जाएगा इस बॉडी का, तो हम लोग कह देंगे कि यह बॉडी क्या है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का सिंपल सा यही मतलब है दोस्तों कि वैसा बॉडी जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए और कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी ये भी जीरो हो, तो उसी बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जैसे ही दोस्तों कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि टावर, चेयर, देखे होंगे दोस्तों आप लोग, टावर टावर हर हमेशा एक ही स्थान पर स्थित रहता है, वो तो ना अपने स्थान में न तो परिवर्तन लाता है ना चेंजिंग लाता है, तो उस हम टावर को हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। हाँ, जब तक कि कोई उस पर ह्यूमन या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, जैसा कि गेंद, गेंद भी दोस्तों अगर एक स्थान पर स्थित है तो वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर हम उसको अपना फोर्स लगाकर उसको स्थान परिवर्तन लाएंगे तब फिर वो अपना स्थान परिवर्तन कर देगा, तो फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर गेंद स्थित पड़ा हुआ है तो उसमें क्या है दोस्तों, उसमें नेट रिजल्टेंट फोर्स वो भी जीरो लग रहा है, मतलब सारा के सारा जो हॉरिजॉन्टली फोर्स है वो भी जीरो है और वर्टिकली फोर्स वो भी जीरो है, तो उस कंडीशन को हम दोस्तों क्या बोलेंगे कि वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो चेयर भी एक तरह सा एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों कि चेयर भी अगर हम उस पर कुछ छेड़छाड़ ना करें, चेयर को वह जैसा है वैसा ही उसको छोड़ दे, तो वह भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम भी वही कहता है जो इक्विलिब्रियम कहता है, मतलब कि इसमें क्या कहता है जानते हैं, इट स्टेट दैट क्या कहता है, क्या कहता है दोस्तों, अ बॉडी विच इज सब्जेक्ट टू कोप्लैनर फोर्सेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो एंड ऑल्सो द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज देयर प्लेन ऑफ जीरो। करने का इसका भी वही है दोस्तों से बेसिकली कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगा जब उसका रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है दोस्तों वो क्या हो, तो जीरो हो, जब बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो एंड आल्सो द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, मतलब कि जितना भी आल्सो द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट, मतलब जितना भी दोस्तों जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स जितना भी है उन सबों का मोमेंट का सारा अल्जेब्रिक सम अगर हम करें तो वो क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, तो वो जीरो आना चाहिए। तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम का बेसिकली सिंपल से हम ये भी कह सकते हैं कि जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, मतलब कि जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो और किसी पॉइंट पर, मतलब किसी पॉइंट पर, मैंने इफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है उस सब का एल्जेब्रिक सम क्या हो, तो
उस सब का अल्जेब्रिक सम का मोमेंट, मतलब मोमेंट जो हम सारा का सारा फोर्स का जो मोमेंट है उसका अल्जेब्रिक सम करें तो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? तो वह जीरो होना चाहिए। तो बेसिकली आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम यही कहता है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? तो जीरो होना चाहिए, और इसका भी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली ये भी जीरो होना चाहिए, और समेशन ऑफ वर्टिकली ये भी जीरो होना चाहिए। देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी इक्विलिब्रियम में, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो कैसे हम जानेंगे, या हम कैसे उस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, उसका ही कुछ कंडीशन है दोस्तों। तो वेन द बॉडी मूव इन एनी डायरेक्शन ओनली, जब भी कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करे, या जब भी कोई बॉडी एनी डायरेक्शन में मूव करे, उसको हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कैसे? तो इसको यही कहता है दोस्तों कि इट्स मीन्स डैट देयर इज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ओनली, देयर फोर द बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम और रेस्ट, देन द रिजल्टेंट फोर्स काउजिंग मोमेंट मस्ट बी जीरो। देखिए दोस्तों, ये यही कहता है कि उस बॉडी पर जितना के जितना समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टली फोर्स है एंड समेशन ऑफ वर्टिकली फोर्स है, वो अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह एक तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। मतलब कि उस पर कोई वस्तु है दोस्तों, उस पर हम ना तो हॉरिजॉन्टली फोर्स कुछ लगा रहे हैं, ना ही हम कुछ वर्टिकली फोर्स लगा रहे हैं, तो वो कैसा होगा? वो स्थिर रहेगा अपने स्थान पर। तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। तो एक पहला कंडीशन दोस्तों इक्विलिब्रियम का यही है। अब दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या है कि वेन द बॉडी रोटेट अबाउट इट सेल्फ ओनली, मतलब कोई भी बॉडी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करे, इट मीन्स देयर इज अ रिजल्टेंट कपल एक्टिंग ऑन अ बॉडी विथ नो रिजल्टेंट फोर्स, देयर फोर द बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, देन द मोमेंट ऑफ कपल काउजिंग द रोटेशन मस्ट बी जीरो, दैट इज सम ऑफ मोमेंट इज जीरो। देखिए दोस्तों, कोई भी बॉडी है उसका अगर हम सम ऑफ मोमेंट निकाल लें, जो मोमेंटम उस बॉडी का है, अगर वो जीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो भी स्थिर ही रहेगा। आखिर अगर कोई वस्तु का मोमेंट अगर कुछ है, कुछ संख्या में है या कुछ वेरिएबल में है, तो आखिर वो क्या है? तो वो वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन ला रहा होगा, या अपना उस कुछ मोमेंट लग रहा होगा, कुछ में फोर्स लग रहा होगा, तभी उसका मोमेंटम जीरो नहीं है। लेकिन अगर कोई वस्तु का मोमेंट अगर जीरो हो जाए तो उसको हम क्या समझेंगे? कि वो भी इक्विलिब्रियम में है, क्या कि उसका कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तभी उसका मोमेंट जीरो है। तो उसी को दोस्तों हम बोल सकते हैं कि वह भी एक कंडीशन है, मतलब यह भी एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, मतलब इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स क्या होता है। एन इक्विलिब्रियम फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच ब्रिंग अ बॉडी इनटू मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स क्या है दोस्तों? तो सिंगल फोर्स है, मतलब एक अकेला फोर्स है जो कि जो बॉडी होता है उसको चेंज करता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में चेंज करता है इक्विलिब्रियम फोर्स, जो कि एक सिंगल फोर्स है। देयर फोर एन इक्विलिब्रियम फोर्स इज अ सिंगल एन इक्विलिब्रियम फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन द डायरेक्शन टू द रिजल्टेंट फोर्स। जो इक्विलिब्रियम फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड दोस्तों इक्वल होता है, किसके बराबर इक्वल होता है? तो रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है इक्विलिब्रियम फोर्स का मैग्नीट्यूड। और हाँ, इक्विलिब्रियम फोर्स जब भी लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको दोस्तों इक्विलिब्रियम फोर्स भी समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब देखो एक बार फिगर से हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये इक्विलिब्रियम फोर्स है और ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये रिजल्टेंट फोर्स के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में ये लग रहा है मेरा इक्विलिब्रियम फोर्स। देखिए दोस्तों, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, और मेरा जो इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों, इस वाले का इक्विलिब्रियम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, मतलब इक्विलिब्रियम फोर्स जितना होगा उतना ही रिजल्टेंट फोर्स होगा। ये आपका कंक्लूजन निकला है। तो बस दोस्तों, फिलहाल की इस वाले वीडियो में यहीं तक। आप देखते रहे इस वीडियो सीरीज को, और मैं अगले वाले वीडियो में लेमिस थ्योरम बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सो अगर ये वीडियो सीरीज दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो उसे शेयर करना ना भूले, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।